एज मुस्लिम हमें इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि कुरान सेज़ दैट योर फ्यूचर इज़ बेटर देन फ्रॉम योर पास्ट, यानी हमें इस पे यकीन होना चाहिए कि जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे माजी से बेहतर होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि 8 वेज ए स्टूडेंट कैन मेक हिज हर फ्यूचर सेल्फ प्राउड, यानी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिनसे आपका ज़िंदगी जो है ये प्राउडफुल बन जाएगा कि आपका जो फ्यूचर है वो उस पर आप फ़ख्र करोगे, लेकिन व्हेन यू फॉलो दीज 8 स्टेप्स। तो उनमें से जो सबसे पहला स्टेप जो है वो है लर्न एज मच एज यू कैन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, यानी जितना आप ज़्यादा सीखोगे उतना ही आपके काम आएगा, यानी उतना ही आप इंटेलिजेंट बनोगे या आप उतना ही कोई भी काम आसानी से कर सकोगे। जो दूसरा है कल्टीवेट गुड हैबिट्स, यानी आपको अपने अंदर यानी अच्छे आदत प्रोड्यूस करना है। वो कैसे? सबसे पहले हमें हमारे ऊपर नमाज़ें फ़र्ज़ किए गए हैं वो हमें पढ़ना है, सच बोलना है, और जो जो अच्छे काम जो नेक अमल जो है वो हमें करना है, उससे क्या हो जाएगा, उससे हम अच्छे बन जाएंगे। और नंबर तीसरा जो है सेट योर साइट्स ऑन ए करियर पाथ, यानी आपके नज़रें जो है ये किस पर होनी चाहिए, औरतों पे नहीं, गलत कामों पे नहीं, गलत ताल्लुकातों में नहीं हमारे नज़रें होनी चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे नज़रें है ये किस पे होने चाहिए, ये ऑन ए करियर पाथ, यानी जो भी करियर आप ज़िंदगी में चूज़ करते हैं या अपने लाइफ में चूज़ करते हैं उस पर आपके नज़रें होनी चाहिए कि मैं मुझे फ़लाँ काम करना है, मुझे वो काम करना है, कि उस पर आपके नज़रें होनी चाहिए। तो चौथा नंबर जो है ब्रेक योर एम इनटू स्मॉलर गोल्स, यानी जो आपका एक होता है इनिशियल एम, दूसरा होता है फाइनल एम, यानी जो आखिरी मकसद जो आपका होगा यानी आपकी ज़िंदगी का होगा उस पर आपको नज़र होना चाहिए कि वो आपको छोटे छोटे कामों में ब्रेक डाउन करना है, यानी वो ब्रेक करना है, तो उसके उससे क्या हो जाएगा, उससे जो तुम्हारा जो फाइनल मिशन जो है वो खुद ब खुद यानी आसान बन जाएगा। कैसे वो आसान बन जाएगा? वो इसलिए आसान बन जाएगा क्योंकि आप उस मिशन से या उस मकसद से एक एक काम करते जा रहे हो। तो चौथा नंबर जो है फॉलो व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू, यानी आपको कामयाब लोगों को फॉलो करना है, यानी कामयाब लोगों के पीछे जाना है, यानी उनसे बातें करना है, उनके बारे में यानी तहकीक करना है कि वाई दे विल सक्सेसफुल, यानी वो कैसे सक्सेसफुल बन गए, तो उन्होंने क्या क्या किया। तो सक्सेसफुल बनने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हम जो है सक्सेसफुल बनते हैं। तो नंबर छठा जो है डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपके अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, यानी हाउ टू टॉक विद अदर्स, हाउ टू टॉक विद एल्डर्स, हाउ टू टॉक योर पेरेंट्स, हाउ टू टॉक योर टीचर्स एंड हाउ टू टॉक विद इट्सेल्फ, यानी आप कैसे दूसरों से बातें करते हैं या आपका दूसरों से कैसे उठना बैठना होता है, तो वो जो है वो आपका जो स्किल जो है उसे डेवलप हो जाता है। तो नंबर सातवें जो है वो है सेट अ सेविंग गोल्स फॉर द फ्यूचर, यानी आप जो इस वक्त कर रहे हो कि वो जो है वो आपकी सेविंग गोल है, ये किसके लिए है, ये आपका फ्यूचर के लिए, यानी जो आप इस वक्त कर रहा है इट डिपेंड्स ऑन योर फ्यूचर, यानी
ये किसका डिपेंड करेगा तुम्हारा फ्यूचर को, यानी फ्यूचर में इसी के बदौलत आप आगे बढ़ जाओगे, यानी जो आप इस वक्त कर रहा है। तो आठवें जो है, डू व्हाट व्हाट यू लव, यानी वो करो जिसमें आपकी खुशी हो, यानी जो आपका दिल करना चाहता है वही करो। जैसे कि यानी फजूल बातें ये नहीं करनी चाहिए, यानी गलत अमल जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो जब आप ये 8 टिप्स फॉलो करेंगे, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह योर फ्यूचर विल बी प्राउडफुल। थैंक यू। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट। थैंक्स।